स्वागत है आप लोगों का RIMC मैथ्स की कॉन्सेप्ट सीरीज में। और आज है डे 10 और आज हम लोग LCM से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। एंड इट सेज दैट द लीस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय नंबर्स एक्स वाई जी। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर तीन डिवाइजर्स हैं आपके पास, ठीक है, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। लेकिन हाँ, लेकिन लीव सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है कि हर केस में लीविंग द सेम रिमाइंडर। ओके ओके, सो दिस इज वट इम्पॉर्टेंट। अगर हर किसी में सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे ना, हम देखिए लीस्ट नेचुरल नंबर का मतलब हम LCM निकालेंगे सारे डिवाइजर्स का, एक्स वाई और जेड का, और जो वो रिमाइंडर है ना उस रिमाइंडर को हम प्लस आर ऐड कर देंगे ना, तभी तो रिमाइंडर छोड़ेगा। छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे 2 है, 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है ओके, तो हम करेंगे 2 3 6 कम्प्लीटली डिविजिबल है। लेकिन अगर हमें एक 1 रिमाइंडर चाहिए तो हम क्या करेंगे, 6 में प्लस 1 कर देंगे ना, तो ये 7 हो जाएगा। तो जब मैं 2 3 6 करूंगा तो आई गेट 1 रिमाइंडर ऑल्सो। इसी केस में हमें आर रिमाइंडर चाहिए तो हम आर को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं RIMC का, और उसमें थोड़ा सा एक एडवांस्ड वर्जन भी है। ओके, तो वो क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, अब इस क्वेश्चन पे नजर डालें, ये RIMC दिसंबर 2021 में आया है। यू हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय द नंबर्स, इतने सारे डिवाइजर दिए 3 5 6 8 10 एंड 12, मतलब इन सबका हमें LCM तो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद बोला है कि लीव्स डैश इन ईच केस अ रिमाइंडर टू, लीव्स इन ईच केस अ रिमाइंडर टू, और 2 आपको रिमाइंडर दिया है। लेकिन एक एडिशनल पॉइंट दिया मुझे, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लीव्स नो रिमाइंडर। ओके, तो इसको बाद में देखेंगे, ये डिविजिबिलिटी ऑफ 13 वी विल चेक आफ्टरवर्ड्स। लेकिन इससे पहले अपना वो क्वेश्चन ना आधा तो सॉल्व कर ही लेते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें LCM निकालना है किसका, 3 5 6 8 10 और 12 का, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके फटाफट से LCM निकालें, ठीक है, मैं भी बाय द टाइम निकाल रहा हूँ। इसका जो LCM आएगा यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 2 3 5 3 4 5 6, अगेन 2 से करूँगा तो 3 5 3 2 5 3, ठीक है। तो यहाँ पर फिर तो एक बार 2 से होगा, एक बार 3 से होगा, एक बार 5 से होगा, ठीक है। सो 5 3 15 15 2 30 30 2 60 60 2 120, सो LCM कितना आ गया 120। लेकिन प्लस रिमाइंडर भी तो करेंगे तो LCM कितना आ गया 120, ठीक है। अगर ये बाद वाली चीज़ नहीं दी रहती आपको, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लीव्स नो रिमाइंडर, तो आपका आंसर होता है 120 प्लस रिमाइंडर विच इज 2, आंसर वुड हैव बीन 122। ओके, लेकिन अब क्या कंडीशन दी आपको, कंडीशन दी कि वो 13 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो मैं क्या करूँगा ना, इसको प्लस ना करते हुए यहाँ पर ही डिविजिबिलिटी चेक करूँगा। और डिविजिबिलिटी देखिए, 122 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 13। तो LCM का एक कॉन्सेप्ट तो आपको बताइए ना, LCM का आप कितना भी मल्टीपल ले लो वो वैलिड ही रहता है सभी के लिए ना। अगर बाय द वे 120 इज डिविजिबल बाय ये सारे नंबर्स, इसका मतलब 120 के अगर मैं मल्टीपल लूंगा, 240 लूंगा तो 240 भी डिविजिबल होगा, 360 लूंगा तो वो भी डिविजिबल होगा। तो मुझे इसी LCM के ही मल्टीपल लेने पड़ेंगे ताकि मैं 13 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकूं। तो मैं कैसे लूंगा, ध्यान से देखिएगा इसे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि 120 इनटू n, बिकॉज आई हैव टू टेक द मल्टीपल्स ऑफ द LCM प्लस रिमाइंडर 2, ठीक है, अपॉन 13, इसलिए लिख रहा हूं सिर्फ ताकि मैं डिविजिबिलिटी चेक कर सकूं। ओके, अब यहां पर देख लीजिएगा, अब यहां पर देखिए, इसको मैं फर्दर ब्रेक करूंगा क्योंकि यहां पर n की वैल्यू मेरे लिए निकालना बहुत टफ हो जाएगी, कि हिट एंड ट्रायल, क्योंकि यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा कि n की किस वैल्यू पे ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो वो n की वैल्यू निकालने के बाद हमें इस नंबर को ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, यही हमारा आंसर होगा। तो n को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस 120 n को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना चाहता हूं। ऐसे देखो कैसे, ऐसे अगर मैं 13 9 करूं तो बहुत क्लोज जाता है 120 के, 9 3 27 करी 2 और 117 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा ना, इसको मैं 120 n को 117 n प्लस 3 n प्लस 2 ऐसे लिख दूंगा। ओके, क्योंकि 117 n प्लस 3 n विल गिव मी 120 n ओनली, और अपॉन 13, इसको भी अपॉन 13 कर दिया, इसका भी अपॉन 13 कर दिया। अब अच्छी बात क्या है, अच्छी बात तो ये है ना, क्योंकि ये तो 13 का ही मल्टीपल है 117, तो अब हमें इसको चेक करने की जरूरत तो नहीं है, इतना पार्ट तो वी डोंट हैव टू चेक, बिकॉज दिस इज व्हाट डिविजिबल बाय 13। अब इतना चेक करना है, हमें सिर्फ चेक करना है 3n प्लस 2 बाय 13, और यहां से जो n की वैल्यू आएगी वो पूरे के लिए वैलिड होगी। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 में तो ये बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, 2 रखूंगा फिर भी छोटी वैल्यू आ रही है, तो क्या रखूंगा, 5 रखता हूं अगर, जैसे 4 रखा तो 4 3 12 12 प्लस 2 14 नहीं,
फाइव रखा 15 to 17 नहीं, सिक्स रखा 18 to 20 नहीं, सेवन रखोगे सेवन नहीं, एट रखोगे एट, थ्री जा 24 plus 2 26, 13 2 जा हाँ, तो n इज इक्वल टू 8 में ये वैलिड हो रहा है, तो n इज इक्वल टू 8 में अगर ये वैलिड हो रहा है तो सिंपली आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, इट मीन्स आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 120 इंटू 8 प्लस 2, 12 8 जा कितना होता है 96 ना, तो 960 प्लस 2 एंड द आंसर वुड बी 962, ओके। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, एक तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था एलसीएम वाला वो तो हमने किया ही किया, प्लस रिमाइंडर प्लस एडिशनल डिविजिबिलिटी चेक करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया है, कैसे आप एलसीएम के मल्टीपल लेंगे और एलसीएम के मल्टीपल को आप कैसे ब्रेक करेंगे ताकि आप डिविजिबिलिटी को अच्छे से चेक कर पाएं। आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए इसके काफ़ी चांसेस है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर आएंगे, आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।